जय हिंद दोस्तों, एसएससी जीडी की भर्ती आ चुकी है। एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा मौका आ चुका है। और दोस्तों, हमारी टीम रोजाना आपको एक टेस्ट लेकर आई है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में कि ऑनलाइन टेस्ट आप कैसे देंगे, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों, मात्र 51 रुपये में, कितने में, मात्र 51 रुपये में घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा, दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है, एसएससी जीडी की 50 फुल पेपर सेट, 50 फुल टेस्ट। अब दोस्तों, यहाँ पर 50 टेस्ट है जो आपका न्यू सिलेबस आया है। न्यू सिलेबस के अनुसार मात्र 51 रुपये। दोस्तों, आप सोचेंगे कि सर 51 रुपये में आप हमें 50 मॉडल पेपर सेट दे रहे हो, ऐसा क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वैकेंसी बहुत बड़ी है, तैयारी आपको करनी है ओनली फॉर ये, लागत मूल्य नहीं है। हर स्टूडेंट फीस 51 रुपये हर स्टूडेंट दे सकता है, हर स्टूडेंट 51 रुपये दे सकता है। और यहाँ आपको बताई जाएगी आपकी रैंकिंग, क्या बताई जाएगी दोस्तों, रैंकिंग बताई जाएगी कि आपकी रैंकिंग क्या है। फुल 100 क्वेश्चन का होगा पेपर, कितने क्वेश्चन का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 25 होंगे आपके हिंदी के प्रश्न, और दोस्तों 25 होंगे आपके गणित के प्रश्न, 25 आपके होंगे रीजनिंग के प्रश्न, और 25 होंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। तो ये हम क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो फटाफट से शुरू हो जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों। मात्र 51 रुपये में हम आपको सामने पूरा टेस्ट करवाने वाले, क्या कराना, पूरा टेस्ट करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। यस, पहला प्रश्न, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पेपर के रिलेटिव। ये हमारा एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अगर वहाँ से नहीं मिलता तो आप फोन पे, गूगल पे कर पे भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। एसएससी जीडी के लिए ओनली फॉर 51 रुपये, कितने रुपए, 51 रुपये। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए, पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखिए, एक तरफ आपकी आकृति दे रखी है दोस्तों, क्या दे रखी है, आकृति दे रखी है। इन आकृति को क्या करना है, मिलान करना, क्या करना है दोस्तों, इन आकृति को मिलान करना है, और मिलान करना है और पूरी करना है, इस आकृति को क्या करना, पूरी करना। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी आकृति क्या है। ये इस प्रकार से आपकी आकृति चल रही है, इस प्रकार से, चलिए तो हम भी इस प्रकार से ये एक लाइन खींचेंगे, यस, उसके बाद में इस प्रकार से आपका खींचे, ये हो गया। तो दोस्तों, ये तो होगा नहीं, क्लियर है, ये भी नहीं होगा। अब इसके बाद में देखिए, पगल के अंदर ये वाला, ये है, तो ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखिए, अब उसके बाद देखेंगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, लेकिन ये इसके अंदर भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रेंच है, देखिए फ्रेंच क्या है, फ्रांस है, तो डच का है, यानी जो फ्रेंच दोस्तों निवास है, इनका जो निवास है ना, निवास स्थान जो कहाँ है, फ्रांस के अंदर है, डच का कहाँ पर है, दस दोस्तों हॉलैंड के अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हॉलैंड के अंदर रहते हैं, कहाँ रहते हैं, हॉलैंड के अंदर रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से, क्या है, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय से है, तो दोस्तों वृक्ष का संबंध किससे है, वृक्ष का संबंध वन से, क्या है, वन से, जैसे एक बड़ा वन है उसके अंदर अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय का अलग अलग प्रकार की पुस्तकें पाई जाती हैं, यानी रखी जाती है। चलिए समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है एम आई ओ एम, दोस्तों डी का डी लिख रहा है, तो जे का हम क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे। अब देखिए आई जो है ना, ये क्या जा रहा है, सेकंड लेस जा रहा है, तो यू भी कहाँ जाएगा, सेकंड लेस जाएगा, ओ अंत में है, तो दोस्तों आर भी कहाँ है, अंत के अंदर है। अब दोस्तों जो एम है ना, ये आगे वाला आगे आ रहा है, तो वी आ जाएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4:19 समानुपात, 7:7,
देखिए दोस्तों, चार का पूछा गया, चार इंटू चार कितने हो रहे हैं, 16, कितने हो रहे हैं 16, प्लस 3 कितने हो रहे हैं 19 हो रहे हैं, 7 इंटू 7 कितने हो रहे हैं 49, प्लस 3 दोस्तों कितने हो रहे हैं 52 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 52, प्रश्न का उत्तर हो गया 52, क्या हो गया 52। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ साथ में। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर, सॉल्व करना है। एस टी ओ वी ई को लिख रहा है, यानी उल्टा लिख रहा है, क्या लिख रहा है उल्टा लिख रहा है, क्या लिख रहा है उल्टा लिख रहा है, अब इसे भी क्या लिख रहा है उल्टा लिख रहा है, यस। तो अभी हमें इससे क्या करना है, कोडिंग देखते हैं किस प्रकार से आपकी कोडिंग है। चलिए कोडिंग देखिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, आर का पूछा गया है और आर सबसे अंत में जाएगा, तो आर सबसे अंत में कौन है, ये आर है, उसके बाद ये देखिए ई, उसके बाद पी, उसके बाद ओ, उसके बाद आर, उसके बाद टी, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्लियर ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए ये प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न कहता क्या है, कुछ भी नहीं कहता है, प्रश्न कहता है कि एक आपके सामने बोर्ड मास दे रखा है, बोर्ड मास की नियम के तहत नहीं बल्कि क्रम के अनुसार इसको हल करना है। चलिए 48 प्लस का मतलब क्या है, भाग, भाग 6, माइनस का अर्थ प्लस 12, भाग का अर्थ गुणा 2, प्लस का अर्थ भाग 10। चलिए करते हैं दोस्तों, बिल्कुल देख लीजिए, 6 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6, 8 × 48, तो दोस्तों 8 प्लस 12 इंटू 2 बटा 10। चलिए अब इसे और देख लेते हैं, अब हम इसको क्या देख लेते हैं, और देखिए जल्दी से बताइए, 8 हो गया, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए कितने हो रहे हैं 20, 20 इंटू 2 बटा 10, 10 10 2 बराबर कितने हो गए 4 हो गए, क्या हो गए 4। सवाल पूछा है कि बोर्ड मास के नियम के अनुसार नहीं करना है, क्रम से करना, तो हमने पहले इसको सरल किया, फिर इन दोनों को जोड़ लिया, फिर इसको सॉल्यूशन कर लिया, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, यस समझ में आ गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बी सी डी, बी बी के बाद देखिए सी को छोड़ रहा है, उसके बाद में डी ई, देखिए कंटिन्यू ई आ रहा है, क्या आ रहा है ई आ रहा है, अब आगे क्या आएगा एफ जी एच, तो यहाँ एफ एफ जी एच, तो बताइए जल्दी से बता दीजिए प्रश्न का राइट आंसर, क्या बात है दोस्तों, यस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो को लाइक करें दोस्तों फटाफट से, देखिए बी प्लस 2, उसके बाद में प्लस 1, उसके बाद में प्लस 2, उसके बाद में प्लस 1, तो देखिए ई के बाद में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा जी आ जाएगा, अब देखिए सी, सी और बी में क्या हो रहा है, माइनस 1 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, तो फिर माइनस 1 कर लीजिए, तो यहाँ एफ का माइनस क्या हो जाएगा ई, और उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो आई आ जाएगा। अब देखिए डी, डी के बाद में माइनस 1 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है प्लस 4 कर रहा है, फिर क्या कर रहा है प्लस जी कर रहा है, तो हो गया जी ई एफ, क्या है जी ई एफ, किसके अंदर है जी ई एफ, जी ई एफ क्या है जी ई एफ राइट आंसर, क्या है जी ई एफ आपका राइट आंसर, क्या है जी ई एफ आपका राइट आंसर है। चलिए और देखते हैं, एक अच्छी आकृति दे रखी, इस आकृति को क्या करना है, मिलान करना भैया, आकृति क्या कह रही है, आकृति कह रही है कि एक जो कागज़ का टुकड़ा है उस कागज़ के टुकड़े को काटा हुआ, क्या क्या है, कागज़ के टुकड़े को काटा गया है, अब काटा है, देखिए सबसे पहले ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज को इस प्रकार से मोड़ा है, इसको फिर मोड़ा, इस आकृति को अब पुनः खोलना है, क्या करना पुनः खोलना है, तो यहाँ भी हो जाएगा, पुनः खोलेंगे तो 2 यहाँ पर हो गया, फिर इसे वापस खोलेंगे तो 2 यहाँ पर भी हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं,
ऑप्शन क्या हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया, क्या हो गया बी। चलिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया है, सवाल क्या कह रहा है, विकल्प शब्दों में से ऐसे शब्दों को चयन कीजिए जिसमें अक्षर का प्रयोग ना बनाया जाए, क्या है, नहीं है। अब देखिए दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा अक्षर है जो इसके अंदर नहीं है, बताइए जल्दी से, क्या बात दोस्तों। इसमें देखेंगे यस आई आई एन टी ई आर डी ई पी ई एन डी ई एन टी, तो इसमें भी देखिए ये बिल्कुल है, चलिए यह मुझे लग रहा है ए नहीं है दोस्तों, ये पूछा ए नहीं है और ए इसके अंदर नहीं है, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसने पूछा न बनाया जा सके, दोस्तों न कौन सा नहीं बनाया जा सके, न नहीं बना सके, ए वाला नहीं बना सके। चलिए ये बता दीजिए, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए, दो को जीरो लिख रहा है, तीन दो को जीरो लिख रहा है, तीन को लिख रहा है, फिर पांच फिर नौ सात का क्या आएगा, बताइए जल्दी से, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, प्रश्न का कुछ भी नहीं करना है। देखिए दो इंटू दो कितना हो रहा है चार, कितना दो इंटू दो कितना हो रहा है चार, माइनस चार। अब देखिए तीन इंटू दो माइनस तीन कितना आ रहा है तीन, फिर देखेंगे चार इंटू दो माइनस दो कितना हो रहा है चार इंटू दो, चार इंटू दो कितना हो रहा है आठ, आठ माइनस दो छः। अब देखिए फिर क्या है पाँच इंटू एक नहीं, पाँच इंटू दो माइनस एक, पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस, दस में से एक नौ। अब देखिए अब देखिए सात इंटू दो क्या हो रहा है सात इंटू दो, अब सात का पूछा सात इंटू दो कितना हो रहा है चौदह, माइनस पहले देखिए एक फिर माइनस माइनस दो कितना हो रहा है बारह, प्रश्न का राइट आंसर क्या है बारह। इसमें देखिए पहले आपका चार माइनस हो रहा है, फिर तीन हो रहा है, फिर दो हो रहा है, फिर एक हो रहा है, फिर वापस दो, फिर वापस तीन, फिर वापस चार, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। चलिए ये प्रश्न बताइए, अच्छा प्रश्न है और 100% सवाल अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपका पर्सन वाचक चिन्ह है लुप्त शब्द दे रखा है, इसका अर्थ क्या है, इस लुप्त शब्द का अर्थ क्या है। देखिए पाँच इंटू छः प्लस चार, पाँच इंटू छः तीस प्लस चार कितने हो रहे हैं चौंतीस हो रहे हैं, चार इंटू सात, सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस प्लस दो कितने हो रहे तीस हो रहे। अब दोस्तों ये तो आपका हो गया समीक, इस प्रकार से आपको निकलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों तीन इंटू आठ प्लस एक्स, तो आइए कितना हो गया आठ ती चौबीस प्लस एक्स बराबर कितना है तीस, तो अभी एक्स का मान ज्ञात करना है, तीस तीस में से चौबीस लेस करेंगे कितने बचेगा छः, तो प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया छः आपका राइट आंसर क्या हो गया छः। यस समझ में आया दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ साथ में बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों, और अगर आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों टेस्ट सीरीज है ₹50 में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, 50 मॉडल पेपर सेट हैं और ये हमने स्टूडेंट ये साथ जब तक परीक्षा रहेगा तब तक यही चार्ज रहेगा, इसमें न तो बढ़ाया जाएगा मात्र ₹51, कितने दोस्तों न तो इसमें बढ़ेगा न इसमें घटेगा, मात्र ₹51 में 50 मॉक टेस्ट, क्या है मॉक टेस्ट दोस्तों, इसके अंदर आपकी रैंकिंग शो होगी, ऑल इंडिया टेस्ट होगा, क्या होगा ऑल इंडिया टेस्ट होगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए, और रोजाना वीडियो के लिए हमारे राज स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब करें शेयर करें, धन्यवाद।